हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर। जैसा कि हम लोग इडुटेरिया करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सेट को लगातार कर रहे हैं, आज हम आर्थिक समीक्षा 2022-23 के प्रश्न पत्रों पर संकलन को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से 2 से 3 प्रश्नों के बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित किया गया है। ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मित्रों, आपका सही उत्तर है 6 से 6.8% तक का। ठीक, चलिए नेक्स्ट। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो यह मित्रों आपका प्रस्तुत किया गया था 31 जनवरी 2023। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, 6.4%। आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी के अनुसार दुनिया का कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुकी है, बन चुकी है? ठीक है, यही पूछा जा रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर है तीसरी। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है, यह हमसे पूछा जा रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 12। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है? ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें, देखिए, कपास पर सीमा शुल्क माफ कर दिया गया है, बिल्कुल सही है। गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई है, यह भी सही है। प्रमुख कच्चा माल फेरोनिकल, कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है, यह भी सही है, अर्थात ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, 1 से अधिक, यहाँ पे तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट। हमसे पूछ रहा है कि वर्ष 2023 में से 2027 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा, तो आपका होगा 14,500, 14,500 ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले ही पूरा कर लिया है, अब इसे बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है, यही हमसे पूछा जा रहा है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 50%। अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया, इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई थी, यही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर है 2022-23 में। प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार कितना मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है, तो ये आपका किया गया था 315.7 मिलियन टन। वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, यही हमसे पूछा जा रहा है, तो आपका सही उत्तर है 3%, ऑप्शन सी करेक्ट है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व का कौन से स्थान पर सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है, ठीक है, तो आपका सही उत्तर है दूसरा, ऑप्शन बी करेक्ट है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज्यादा जैविक किसान किस देश में है, आपके अपने भारत, ऑप्शन सी करेक्ट। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है, यही हमसे पूछा जा रहा है, तो हमारा सही उत्तर होगा इसमें अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है।
अगला देखते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था? ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन सी 562.7 बिलियन डॉलर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का किस स्थान पर सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है? ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है, तो ये आपका छठवें स्थान का है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर था? ठीक है, यही हमसे पूछा जा रहा है, तो हमारा सही उत्तर है मित्रों 610.5 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। चलिए अगला। आर्थिक वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कितना विद्युत का उत्पादन हुआ? ठीक, तो आपका सही उत्तर है 17.2 लाख गीगावाट, GWh, ठीक है, गीगावाट हर्ट। चलिए अगला देखते हैं। कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितने प्रतिशत है? तो यह है आपका मित्रों 27.5%। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण किया गया है? तो यह किया गया है आपका 10,457 किलोमीटर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व का कितना प्रतिशत है? यही आपसे पूछा जा रहा है, तो यह है आपका 84.8%। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना विस्तार हो चुका है? ठीक है, तो यह है आपका 68,31 किलोमीटर। भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है, किस स्थान पर है? तो यह आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपके विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यही हमसे पूछा जा रहा है कि वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान पर है, सही है। कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, यह भी सही है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर है, यह भी सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। विश्व बैंक के अनुसार 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो आपका भारत है, अपना भारत। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में FDI टॉप 3 निवेश करने वाले देश कौन से हैं? ठीक है, तो इसमें आपका सिंगापुर, मॉरिशस, UAE है, अर्थात ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज्यादा FDI किस क्षेत्र से आया है? तो ये आया है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, अर्थात ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत GDP में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? ठीक है, यही हमसे पूछा जा रहा है, तो यह है मित्रों आपका 7%, अर्थात ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा है? यही हमसे पूछा जा रहा है, तो ये रहा है मित्रों आपका 332.8 बिलियन डॉलर, अर्थात ऑप्शन ए आपका करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितने बिलियन डॉलर रहा? यही हमसे पूछा जा रहा है, तो आपका सही उत्तर है 551.7 बिलियन डॉलर, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है? यही हमसे पूछा जा रहा है, ये आपका मित्रों सिक्किम है, ऑप्शन बी करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005-06 और 2019-21 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी के बाहर आए हैं? ठीक है, तो आपका सही उत्तर है 41 करोड़, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट है। वित्त मंत्रालय के
वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनके देखरेख में आर्थिक समीक्षा तैयार हुई है? ठीक है, तो ये है आपके वी अनंत नागेश्वरन, अर्थात ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? ठीक है, तो यह किया गया है आपके आईएमएफ के द्वारा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है, जिसमें अमेरिका ब्रिटेन का लक्ष्य वर्ष क्या है, यह इनसे पूछा जा रहा है। तो आपका 2050 है, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट है। आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित लाइफ का पूर्ण रूप क्या है, ये इनसे पूछा जा रहा है। तो इसका है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, अर्थात ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आर्थिक समीक्षा के अनुसार आरबीआई ने पूरे वर्ष पॉलिसी रेपो दर में कितने आधार अंकों की वृद्धि की है, यही हमसे पूछा जा रहा है मित्रों। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी 225। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि पर विचार करना है। यहाँ पे आपको क्षेत्र दिया गया है, वृद्धि दर दी गई है, तो देखिएगा कि कृषि का वृद्धि दर 3.5% है, यह सही है। उद्योग का आपका 4.1% है, यह भी सही है। सेवा का 8.1% है, नहीं ये गलत है। सेवा का आपका 2022-23 में, 2023 में आपका अनुमान 9.1% का है। ठीक है, और ये आपका 2022 में 8.4% था, तो इसमें आपका सी वाला हो गया करेक्ट। ठीक है, इसमें आपका सी वाला हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न को हम देख रहे हैं कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करना है। भारत का ई कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है, यह आपका सही है। ठीक है, यह आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत विश्व का पांचवां सबसे बड़ा निर्यातक देश है, नहीं मित्रों ये गलत है, भारत 12वें स्थान पे है। ठीक है, भारत 12वें स्थान पे है। पहले पे आपका चीन है, पहले पे आपका चीन है, दूसरे पे आपका यूएसए है, और तीसरे पे आपका जर्मनी है। ठीक है, तीसरे पे आपकी जर्मनी है। चाइना अपने पूरे सकल घरेलू उत्पाद का 18.4% निर्यात करता है, यूएसए अपने पूरे सकल घरेलू उत्पाद का 11.7% निर्यात करता है, और जर्मनी आपका 47% अपने पूरे सकल घरेलू उत्पाद का निर्यात करता है, और भारत आपका अपना 18.7%। ठीक है, 18.7% अपने पूरे सकल घरेलू उत्पाद का निर्यात करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है मित्रों कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? ठीक है, तो ये 2047 तक हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित शब्द जेएएम का पूर्ण रूप क्या है, क्योंकि देखिए आपसे कई बार ऐसा यहां पर नहीं है, ये आपके प्रश्न का प्रारूप ही है, कई बार आपसे विस्तृत पूछता है। ठीक है, शॉर्ट वर्ड दिए जाते हैं, उसका आपसे फुल फॉर्म पूछता है, तो यहाँ पे जेएएम का फुल फॉर्म क्या होगा, पूर्ण रूप क्या होगा, तो होगा आपका जनधन आधार मोबाइल, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रा स्फीति दर पर विचार करना है। ठीक है, अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति 6.4% आधारित है, ये गलत है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति 11.5% अनुमानित है, यह सही है, ये गलत है, ये 6.7% है। ठीक है, ये आपका 6.7% है, यहाँ पे इसके हिसाब से आपका दूसरा वाला सही था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अगले प्रश्न पे। नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो हमारे यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो है 117 करोड़, ऑप्शन ए करेक्ट है। वित्त वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल वर्धन GVA कितने प्रतिशत बढ़ा, ठीक है। तो ये है मित्रों आपका बढ़ा था 3.7%, अर्थात ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। वित्त वर्ष 2022-23 में, वित्त वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च GDP का कितने प्रतिशत रहा है, ठीक है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो हमारा सही उत्तर है यहाँ पे 2.1%, अर्थात ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। हमसे पूछ रहा है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में FDI प्रवाह 2019 की तुलना में 2022 में कितने गुना वृद्धि हुई है, ठीक है। तो यह वृद्धि मित्रों 4 गुना हुई है, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट है। मेक इन इंडिया 2.0 में कुल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, साथ साथ इसके कितने उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो यह मित्रों आपके 24 है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सहकार से समृद्ध विजन को साकार करने के लिए लाई गई है। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर है सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में औसत GST संग्रह कितने करोड़ का था, यही हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यह मित्रों आपका है 1.49 करोड़, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। तो यह इसका सही उत्तर है मित्रों आपका 200%। तो मित्रों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, रिवीजन भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में काफी फायदेमंद साबित होगी। यहाँ से प्रश्नों के आने की संभावना ज्यादा है। साथ ही साथ जो मित्र हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। और हाँ, अगर आप इन प्रैक्टिस पेपर की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन ट्रैक से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको कि यहाँ इसकी PDF प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।